जनरल डब्बा बढ़ाया जाए हर एक गाड़ी में, क्योंकि जनरल डब्बा कम होने के कारण पैसेंजर ज्यादा है उसमें। जो किराया है वो उतना ही रहे, बढ़े ना तो ठीक है, बट एक ही सुविधाएं बढ़ा दी जाए। वेटिंग टिकट में भी जो मसला चल रहा है उनको, उनके लिए कोई वैकल्पिक बस व्यवस्था होनी चाहिए। राज, आज जो है हमारी जो वित्त मंत्री है बजट रखने वाली है, रेलवे अपने सफर भी किया है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि रेलवे में बढ़नी चाहिए और सुविधा? हालांकि देखना चाहिए, अगर केंद्र सरकार को देखा जाए बजट के तौर पे, जनरल डब्बा की डिमांड बहुत है, पैसेंजर बहुत होते हैं, हालांकि एसी डब्बा बहुत होते हैं, जैसे उनकी सीमा ज्यादा लेकिन उनमें पैसेंजर नहीं होते हैं। एक समय देखा जाए तो जनरल डब्बा बढ़ाया जाए हर एक गाड़ी में, क्योंकि जनरल डब्बा कम होने के कारण पैसेंजर ज्यादा है उसमें, और दूसरा टिकट भी कम किया जाए। एक तो दूसरा एक नया कानून आया है कि बेटिंग हो जाए, बेटिंग पे बैठ नहीं सकते जनरल में, स्लीपर में जनरल ही जाएगा फिर वो, इसलिए बेटिंग भी नहीं होता, कन्फर्म भी नहीं होता तत्काल भी टिकट, इसलिए ज्यादा बेहतर से बेहतर है कि जनरल डब्बा बढ़ाया जाए हर एक में। और ट्रेन का एक ही रूल होता है कि टाइम पे पहुंचाए, और टाइम पे सुविधा यही मिलेगा जब जनरल डब्बा ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि जनरल पैसेंजर बहुत मिलेगा। आज हमें ऐसे भूसा जैसे भर के आ रहे, महिलाएं में भर के जा रहे, मेल जा रहे, फीमेल जा रहे, कोई जनरल डब्बे ज्यादा बढ़ा, हाँ ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि मैंने देखा एसी कोच आधे से ज्यादा खाली आते हैं, कोई मतलब नहीं है उनका, क्योंकि इतना बजट नहीं, हमारा भारत सरकार इतनी डेवलप नहीं कर पा रही है कि विकसित की हर एक आदमी इतना कमाए, बेरोजगारी बहुत है। थैंक यू। जो रेल के फेयर्स हैं, जो किराया है उसमें कुछ आप चाहते हैं, उम्मीद है कि आपको लगे कुछ कम हो जाए? उम्मीद है कि थोड़ा बहुत कम करना चाहिए उन लोगों, क्योंकि बहुत ही ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ता जा रहा है हर चीज को लेके, लगेज को लेके। एक रेल भी एक सस्ता साधन है जो सबसे कम से कम पैसों में मिलता है, उसमें भी थोड़ा कम ही होना चाहिए। आज बजट आने वाला है, रेलवे एक सेक्शन देखा जाए तो रेलवे भी एक बहुत बड़ा सेक्शन है बजट को लेकर, क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो आपको लगता है कि बढ़नी चाहिए और सामने आनी? बिल्कुल बढ़नी चाहिए, स्लीपर डब्बे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने वेटिंग कम किया है तो स्लीपर ज्यादा होना चाहिए, और जनरल डब्बा ज्यादा बढ़ाना चाहिए मैक्सिमम, क्योंकि ट्रेन में जो सफर करता है व्यक्ति जो है कि 70-80% जो है कि नॉर्मल घराने से होता है, और उसको कंफर्म टिकट मिल जाए, कंफर्म नहीं मिले तो कम से कम 10-8 घंटा की जो सफर होती है, जैसे यूपी से हो गया, बिहार से आदमी हो गया और अदर स्टेट से हो गया, तो 8-10 घंटा आदमी जब स्लीपर में जगह नहीं मिलेगा तो इसमें आप बोलते हैं क्या बोलते हैं जनरल डब्बा में जो है कि बैठ करके वो सफर कर सकता है, बट समस्या है कि ना वो जनरल में कर सकता है, इस टाइम में वेटिंग में कर सकता है, टिकट कराने जाता आदमी जो है कि 4 महीना पहले ही बुक मिलता है, करे तो करे क्या, समस्या है। बहुत बड़ा मुद्दा है किराए को लेकर, लोगों ने आपसे बात करी, किराया आपको लगता है कि नहीं, जो किराया है वो उतना ही रहे, बढ़े ना तो ठीक है, बट एक ही सुविधाएं बढ़ा दी जाए, स्टेशन पर सुविधाएं इस टाइम पे, हाँ बिल्कुल सुविधाएं बढ़ा देनी चाहिए उनको, सबसे ज्यादा जो है कि जनरल डब्बा और स्लीपर डब्बा उनको करना चाहिए, ताकि आम व्यक्ति जो है कि सफर कर सके। आज जो है कि मान लो कि एक ट्रेन आती है, ज्यादा ज्यादा मतलब सबकी सीट बुकिंग होती है, ज्यादा ज्यादा 500 पैसेंजर आते हैं, बाकी पैसेंजर तो छूट गए, अब स्टेशन पर पैसेंजर उतरते हैं उसमें से आधा इधर चले जाते हैं, आधा उधर चले जाते हैं, यहाँ पर ऑटो टैक्सी वाले उनको सवारी नहीं मिल पाती है, सबसे बड़ा रोजगार का भी तो ये समस्या है, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो हमारे को थोड़ा सा कुछ ज्यादा रोजगार बढ़ेगा। सुविधाएं ऐसी है, जो वेटिंग टिकट में भी जो मसला चल रहा है उनको, उनके लिए कोई वैकल्पिक बस व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर आपको टिकट कंफर्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसको सफर तो करना है ही किसी भी तरह, उनके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए वेटिंग टिकट के लिए, जो कैंसिल होता है उनको उतार देते हैं, या जनरल टिकट में भी सफर नहीं कर पाता वो, उनके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा एक चीज और है, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आपको लगता है कि ट्रेन भी और बढ़नी चाहिए? ट्रेन तो बढ़नी चाहिए, और डिब्बे भी बढ़ा सकते हैं, जनरल डिब्बे बढ़ाए, स्लीपर कोच बढ़ाए, उसमें बढ़ाकर सुविधा दे सकते हैं। स्टेशन की बात करें तो देखिए, जब तक ट्रेन नहीं आती लोग स्टेशन पे ही बैठते हैं, स्टेशन की सुविधाओं की बात करें तो क्या लगता है आपको कि और क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए? सुविधाएं तो है लेकिन उसको थोड़ा स्तर उसका बड़ा करना चाहिए, जैसे कैपेसिटी उसकी ज्यादा होना चाहिए, अभी जैसे छोटे छोटे वेटिंग हॉल उसको बड़ा बनाए जी। और फेयर की बात करें, किराए की बात करें तो आप फेयर तो ठीक है, लेकिन उस हिसाब से सुविधा भी देनी चाहिए, अगर फेयर है तो सुविधा भी देनी चाहिए उनको, रेलवे को जी, वो सुविधा नहीं दे पा रहे हूँ। ट्रेन में बहुत प्रॉब्लम है, रिजर्वेशन होता ही नहीं है, ट्रेन रेसी फाँका जाता है, साधारण गरीब आदमी रिजर्वेशन मिलता नहीं है, जनरल में माने एक एक आदमी एक एक ऊपर आता है, अभी हम आया एक ट्रेन से ऐसा ही।